one shot, please. मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा उन्होंने चाय पीने के बाद, क्या कहा आपसे? वाओ बोले, डॉली की चाय। बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। बिल गेट्स दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना कि भारत की चाय और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में इतने वायरल हो गए हैं कि अब बिल गेट्स जैसे लोग भी भारत आकर उनके साथ रील्स बना रहे हैं। क्या लगा आपको, क्या अनुभव? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा उन्होंने चाय पीने के बाद, क्या कहा आपसे? वाओ बोले, डॉली की चाय। इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जॉइंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज, वन चाय। यहां तक कि बिल गेट्स साहब ने वहां पर एक चाय वाले से खड़े होकर चाय भी बनवाई और पी, और उसको भी उन्होंने कहा कि एक अगर सिंपल कप ऑफ टी भी बनाना होता है तो उसमें भी इंडिया की इनोवेशन नजर आती है। नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? उन्होंने, बिल गेट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। और यही नहीं, बिल गेट्स ने इंडिया की जो डिजिटाइजेशन और इनोवेशन है उसकी बहुत तारीफ की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स और डॉली चायवाला के बारे में। जी हाँ गाइज, माइक्रोसॉफ्ट ओनर बिल गेट्स हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर ए फ्यू डेज, देन फर्स्ट ही मेट पीएम मोदी एंड अदर बिग लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, देन ही वेंट टू डॉली चाय सेलर एंड आस्क्ड फॉर वन टी। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के अलावे भारत के बड़े बड़े लीडर्स से भी मुलाकात किए हैं। फिर उनके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स जी ने डॉली चायवाले से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन इस दौरान डॉली चायवाले ने बिल गेट्स जी को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि डॉली चायवाले ने बिल गेट्स को कभी देखा ही नहीं है। बिल गेट्स सर ने डॉली चायवाले के पास में जा करके उनसे एक चाय का ऑर्डर भी करते हैं, तो अब डॉली चाय वाले ने बिल गेट्स सर को एक चाय भी पिलाते हैं। जब ये चाय वाला बंदा अपने घर आते हैं, तब बहुत सारे व्यक्ति हैं कि जिस व्यक्तियों को आपने कल चाय पिलाया, पता है वो कौन थे? तो डॉली चाय वाले ने बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। तब उनके गांव वाले बोलते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स जी हैं। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश भारत में बिना सिक्योरिटी के बदौलत दुनिया के सबसे राइज व्यक्तियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स जी ने डॉली चाय वाले के पास आकर के चाय भी पीते हैं, फिर भी यहाँ उनको कुछ नुकसान तक भी नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स को भारत में विजिट करता हुआ देख पूरे पाकिस्तान में एक मातम का माहौल बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, और इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सूट बूट पहने बिल गेट्स चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं, इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जॉइंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज। ठीक है जी, वो डॉली जो है वो ओवरनाइट यू नो ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन, और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज गुड एट व्हाट एवर ही इज डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है, मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन व्हाट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाई है कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? और पैगाम दिया कि भाई देखो हम तो ऐसे सपोर्ट करते हैं आम आदमी को, मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और आम आदमी को वैल्यू दे दी, आम आदमी को वैल्यू दे दी उन्होंने। उसके पास चाय पीना, मार्केट में जाना, गली में जाना, मोहल्ले में जाना और लोगों को बताना और कहना यार देखो दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स व्हाट द वर्क इज, दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मैन, इंडिया के अंदर कॉमन आदमी की ये वैल्यू है। ठीक है जनाब, और हम तो अपने ये जो ताकतवर लोग आते हैं इनको किसी के करीब ही नहीं जाने देते,
और हम समझ जाएंगे ये तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी कि ये हमारा गंदा सा इलाका ना देखें। सो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि दे लेट द पीपल गो टू द कॉमन मैन एज वेल टू शो कि भाई ये है हमारा कॉमन आदमी, ये है हमारे लोग। मैं समझता हूँ विच इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायजा है, वो ये है कि बिल गेट्स जो है, व्हाई ही डिसाइडेड टू गो टू द डॉली चाय वाला एंड व्हाई बिल गेट्स डजंट डिसाइड एंड व्हाई बिल गेट्स इज नॉट टेकन टू अ कॉमन मैन इन पाकिस्तान। गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन व्हाई वी कांट टेक बिल गेट्स? बिकॉज वी हैव नथिंग टू सेलिब्रेट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दे हैव टू सेलिब्रेट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। इंडिया जो है इट्स अ डिजिटल इंडिया, इट्स एन इंडिया जहाँ पे एक आम वेंडर जो है वो भी डिजिटल पेमेंट मैथड्स रख रहा है, ठीक है, और हर बंदा, आपने जो है वो भुट्टा लेना है, आपने चाय लेनी है, वट एवर यू हैव टू गेट, यू नीड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली ये चीज़ें वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और ये स्टाइल वाला जो है इज़ नॉन फॉर इज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी, और अब वो जारी बात है उसकी, तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है, और ये होता है ऐसे। पाकिस्तान में भी एक चाय वाला लड़का था, तो वो एक आम आदमी था, चाय किसी ने उसकी तस्वीर लगाई, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, ये वो आ गया पीछे, वो मशहूर हो गया, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, अब वो अमीर हो गया, एलीट बका हिस्सा बन चुका, विच इज़ गुड। मैं ऐसे नहीं कह रहा, आई वॉज इन लंडन इन नवंबर लास्ट ईयर, तो मैंने देखा कि वो जो पाकिस्तानी चाय वाला है उसने एक अपना रेस्टोरेंट जो है वो इंग्लैंड में भी बना लिया है, कि जी सारे पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर चाय पीते हैं, कि देखें जी, मैं भी वहाँ पर गया था, इट वॉज़ गुड, चाय मज़ा आया और वी इन्जॉयड। बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी हैज़ and India has created so much and is offering so much। India जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो जाते हैं एक ऐसे स्टॉल पर जो कि सड़क पर खड़े होकर एक डॉली चाय वाला, जो कि बड़े मशहूर है, वो साहब भी बड़े मशहूर हैं इस सिलसिले में, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने चाय बनाई है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया की, कि वहां पर चाय वाला जो है वो कैसे जबरदस्त तरीके से जो है वो चाय बना रहा है। आपको पता है वो देसी ढाबे पे जो चाय बनाने का तरीका होता है, उछाल उछाल के चाय जो बनाते हैं, वैसी एक जबरदस्त किस्म की कड़क किस्म की चाय की प्याली जो है वो बनाई है और डॉली साहब जो उन्होंने पेश की है बिल गेट्स साहब को, तो बिल गेट्स साहब ने जो इंडिया की तारीफों के गुनगाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक कप चाय का कप भी जो बनाया जाता है, सादा सा चाय का कप, उसके अंदर भी इंडिया जो है वो इनोवेशन डाल देता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वो उसके बनाने वाले तरीके को जो है वो तारीफ कर रहे थे। तो देखिए, हमने इससे पहले ये देखा था कि जब वहां पर मैक्रॉन पहुंचे थे तो किस तरीके से उनको लेकर जो है उस सड़क पर पूरा एक रोड शो हुआ था और दोनों तरफ उनकी आवाम खड़ी थी और उनकी तारीफें कर रही थी, तो वो उनका स्टाइल जो है वो हर चीज में इनोवेटिव हो चुका है इंडिया का, ये अब कोई नई बात रही नहीं, हर चीज में वो ऐसा जो है वो करके दिखाते हैं। जनाब, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बिल गेट्स हैं उन्होंने इसके अलावा और वहां पर कई ऐसी जो है वो प्लेसेस हैं जहां पर विजिट भी किया है, लेकिन उनका कहना यह था कि सिंस 1990s से वो इंडिया के रेगुलर विजिटर हैं, वो विजिट करते रहते हैं,